मम्मी ने बनाई इडली डोसा। आज मम्मी पापा शाम तक के लिए कहीं बाहर गए थे। गट्टू चिंकी स्कूल से आने के बाद अपनी नेवर आंटी के यहाँ लंच करने चले जाते हैं। चिंकी, बहुत तेज भूख लग रही है, पता नहीं आंटी ने क्या बनाया होगा लंच में। हाँ गट्टू, मम्मी तो रोज टेस्टी टेस्टी लंच बनाती है, आज हम पहली बार किसी और के घर लंच करेंगे। गट्टू चिंकी आपस में बातें करते करते आंटी के घर पहुंच जाते हैं और बेल बजाते हैं। आओ आओ गट्टू चिंकी, मैं तो तुम दोनों का ही वेट कर रही थी, आज मैंने तुम्हारे लिए इडली और डोसा बनाया है। वाह आंटी, मुझे तो इडली बहुत पसंद है। और मुझे डोसा। हाँ हाँ, तो आओ ना बच्चों, जल्दी से हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। गट्टू चिंकी इडली और डोसा खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। आंटी, इतनी टेस्टी इडली तो आज तक मम्मी ने भी नहीं बनाई। और आंटी, ये डोसा भी कमाल का है। अरे वाह बच्चों, मैं तो खुश हूँ कि तुम्हें खाना पसंद आया, लो और लो, मन भर के खाओ। गट्टू चिंकी खूब मन भर के इडली डोसा खाते हैं और फिर आंटी को थैंक यू बोल के अपने घर चले जाते हैं। अभी ऑर्डर करें tuntunkids.com से और हर ऑर्डर पे पाए एक राखी फ्री। शाम तक मम्मी पापा भी आ जाते हैं। मम्मी मम्मी, आपको पता है आज आंटी ने इडली और डोसा बनाया था? और मम्मी, उन्होंने बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना बनाया था। सच में मजा ही आ गया था। अरे वाह बच्चों, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें खाना पसंद आया। तो बच्चों, खूब पेट भर के खाया था ना? और क्या पापा, गट्टू ने तो 5 इडलियां खाई। चिंकी की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। अगले दिन गट्टू चिंकी सुबह उठकर देखते हैं कि मम्मी ने ब्रेकफास्ट में इडली और डोसा बनाया था। अरे ये क्या मम्मी, आपने भी हमारे लिए इडली डोसा बनाया है। और क्या बच्चों, कल तुम्हें आंटी की इडली डोसा इतना पसंद आया कि मैंने सोचा मैं आज फिर से बना दूं। वाह मम्मी, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। चलो जल्दी से ब्रश कर लो तुम दोनों और मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट सर्व करती हूँ। गट्टू और चिंकी डाइनिंग टेबल पर बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं, पर उन्हें मम्मी की इडली डोसा में वो स्वाद नहीं आता है जो आंटी में था, पर वो मम्मी को उदास नहीं करना चाहते थे। वाह मम्मी, बहुत टेस्टी बनी है आपकी इडली भी। हाँ मम्मी, डोसा भी काफी अच्छा है। लेकिन मम्मी गट्टू चिंकी को देख के सारी बात समझ जाती हैं। उन्हें पता चल गया कि गट्टू चिंकी को खाना पसंद नहीं आया, पर वो सच नहीं बता रहे। अच्छा ठीक है बच्चों, चलो अब तुम लोग स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। फिर मम्मी सोचने लगती है कि ऐसी क्या कमी रह गई उनकी रेसिपी में कि उनका खाना आंटी के खाने जैसा नहीं बना। काफी सोचने के बाद वो आंटी के घर जाती हैं। हेलो गट्टू चिंकी की मम्मी, आइए आइए, आज मैं आपके घर बहुत जरूरी काम से आई हूँ। हाँ हाँ बताइए ना। आपसे आपके इडली डोसा की रेसिपी पूछनी है। जब से गट्टू चिंकी ने आपके घर खाना खाया है तब से वो आपके इडली डोसे की तारीफ ही करे जा रहे हैं। इनफैक्ट मैंने भी उनके लिए इडली डोसा बनाया पर उन्हें वो उतना पसंद नहीं आया। अरे जी, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपनी इडली डोसा में कुछ स्पेशल मसाले डालती हूँ जी। चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। फिर आंटी मम्मी को अपने स्टाइल में इडली डोसा बनाना सिखाती हैं और मम्मी घर वापस आ जाती हैं। अरे मम्मी, आप कहाँ गई थी? कुछ नहीं गट्टू बेटा, तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है जो कि तुम्हें सुबह मिलेगा। वाओ मम्मी, मुझे सरप्राइजेस बहुत पसंद है। हाँ बच्चों, तो बस सुबह तक का वेट करो। फिर सब लोग सो जाते हैं और सुबह मम्मी आंटी की बताई हुई स्पेशल रेसिपी से फिर एक बार इडली और डोसा बनाती हैं। थोड़ी देर में पूरे घर में इडली और डोसे की खुशबू फैल जाती है। अरे वाह मम्मी, इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की आ रही है? चिंकी, मुझे तो ये खुशबू कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। अरे हाँ गट्टू, मुझे भी। बच्चों, मैंने आज फिर से इडली और डोसा बनाया है, पर इस बार मैंने आंटी से पूछ के बिल्कुल उनकी रेसिपी फॉलो करके बनाया है। आओ टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। फिर गट्टू और चिंकी एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर इडली डोसा खाते हैं। अरे वाह मम्मी, ये तो आंटी से भी बढ़िया बना दिया आपने। सच में मम्मी, मजा ही आ गया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।